सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण टेकन के एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पोषण टेकन में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि 18.3 का एक नया वर्जन आ चुका है। ये खास करके बेनिफिशरी में अपडेट किया गया है, यानी कि एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोगों को बताया जाएगा एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। चलिए हम नया ऑप्शन क्या जोड़ा गया है और यहाँ पर तीन नए बदलाव किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हम लोग देखेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपके जो भी गूगल प्ले स्टोर है उसमें आ जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखना होगा प्ले स्टोर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आप लोग पहले भी अपडेट करते हैं वैसे ही आपको ये अपडेट भी कर लेना होगा। सर्च टैब में आपको ऊपर में आना होगा और आपको यहाँ पर सिंपल पोषण टेकन लेकर सर्च कर देना होगा। जैसे आप लोग सर्च करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन दे दिया गया है, यानी कि अपडेट जारी कर दिया गया है। क्या अपडेट किया गया है ये हम लोग नीचे में देख सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, जो कि पहला हम लोग का है ए न्यू आभा आईडी क्रिएटिव फ्लो, यानी कि ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि आभा आईडी क्रिएटिव है। और एक दूसरा है माइनर वीक फैक्टर, आप लोग जानते होंगे जब हम लोग का पोषण टेकन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये माइनर वीक फैक्टर का एक अपडेट जारी किया जाता है। और ऐप ऑप्टिमाइजेशन, ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, बस एक खास बदलाव है आप लोगों को, नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं न्यू आभा आईडी फॉलोइंग। इसको हम लोग देखेंगे क्या है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन को अपडेट पर क्लिक करके एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन जोड़ा गया है जिसका नाम है क्रिएट या रिलेटिव आभा, इसे बोलते हैं आभा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले दिखा दें, जैसे आप न्यू पंजीकरण पर क्लिक करते होंगे, तो आप किसी भी आप लोग पंजीकरण करते थे तो आप लोगों को यहाँ पर एक आभा का आईडी मांगा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए आभा आईडी क्रिएट करें, तो आप लोग क्या करते थे, इसको इग्नोर करके हटा देते थे। यही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दिया गया है आपके प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, कि आप लोग अब आभा का आईडी यहाँ पर क्रिएट करें। देखिए नीचे में आपको दिया गया आभा आईडी, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बोला जाएगा कि प्लीज़ क्रिएट एन रिलेटिव आभा, यानी कि ऊपर में आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग नहीं क्रिएट किए हैं तो आप लोग यहाँ जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि देखिए आभा डोमेस्टिक ऑथर, यानी कि ये जो ऑप्शन ऊपर में दिया गया है एक नंबर में वेरिफिकेशन, ये आप एक मशीन के द्वारा कर सकते हैं वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है, आप सेविका हैं, आपके पास अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या करें, नीचे में मोबाइल ओटोपी जो आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि लिंक ओटोपी, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो उनका आधार नंबर है, यहाँ पर उनका आधार नंबर जो भी उनका है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उनका आधार नंबर पर एक ओटोपी जाएगा, उससे आप यहाँ पर क्लिक करके डाल लीजिएगा तो उनका जो भी ओटोपी आएगा आप लोग इंटर कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर बन जाएगा। अभी फ़िलहाल हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी किन्हीं भी लाभार्थी का आधार कार्ड का ओटोपी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम अभी आप लोगों को दिखा नहीं रहे। हम आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा इस प्रकार से कि हम लोग को बना के बता दीजिए तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बता देंगे, जिसमें कि आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है सारा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। इस प्रकार में आप लोगों को बताएं इसमें खास करके जो अपडेट आया इसके बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या अपडेट आया हमारे पोषण टेकन में। अगर आप लोगों को कोई भी कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।